आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 इज, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये है अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रूट के अंदर है इसको मैनिपुलेट करके कुछ ऐसे फॉर्मेट में बना लेते हैं जिससे ये रूट से बाहर आ जाए, और इसके लिए फिर हमें कुछ स्क्वायर के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा जिससे कि ये रूट से बाहर आएगा। तो सबसे पहले 2 प्लस रूट 3 को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। ये 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं ताकि वैल्यू में अंतर भी ना आए। इक्वल टू, अब ऊपर जो है वो हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 और नीचे 2। 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख लिया। अब 3 को अगेन हम लिख रहे हैं रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, और 1 को हम लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 2 रूट 3 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, ये भी 2 रूट 3 ही आएगा मल्टीप्लाई करके अपॉन 2। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब ये इस फॉर्मेट में बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए की जगह पे रूट 3 है और बी की जगह पे 1 है, और उसी फॉर्मेट में बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये होल स्क्वायर वाले फॉर्म में बन गया है, अब इसके बाद से इसको बनाना है 2 माइनस रूट 3 को। तो इसके लिए अलग से मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 प्लस रूट 3 का हमने कर रखा है। 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू के लिए हम बस इतना देख लेते हैं, यहाँ पे जो माइनस है वही माइनस चलता जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पे भी माइनस आएगा जब इसका मैनिपुलेशन करेंगे। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी ये जो है वो सीधे आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। रूट 3 का जो है ये रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा अपॉन 2, इसी तरह के फॉर्मेट में आएगा, बस बीच में प्लस साइन की जगह पे माइनस रहेगा, यहाँ पे जो है प्लस की जगह पे माइनस है इसकी वजह से। तो अब 2 प्लस रूट 3 भी हमारे पास है, 2 माइनस रूट 3 भी हमारे पास है। अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना आएगा, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस रूट 3, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो इसकी वैल्यू है रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हमने लिख लिया, ये है रूट 3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये जो है वो है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये स्क्वायर है। अब जो है जो स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, इक्वल टू फिर ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, रूट से बाहर आ गया अपॉन 2, ये रूट से बाहर नहीं आ सकेगा तो ये रूट में ही रहेगा। और इसी तरह से ये जो है ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये होगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर न्यूमरेटर सीधे जुड़ जाएगा, यानी कि ये हुआ रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, और जो डिनोमिनेटर है वो एक ही हो गया दोनों के लिए, इक्वल टू अब प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया फाइनली 2 रूट 3, रूट 3 प्लस रूट 3 मिलके 2 रूट 3 अपॉन रूट 2। अब 2 को हम फिर से लिख रहे हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, और इंटू रूट 3, 2 की जगह को हमने 2 की जगह पे लिख दिया 2 रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट 3 तो अपनी जगह पे है अपॉन रूट 2। अब एक रूट 2 से जो है एक रूट 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया रूट 2 इंटू रूट 3, यानी कि रूट 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वैल्यू क्या आ रही है, रूट 6 आ रही है वैल्यू, और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है ये, तो ये ऑप्शन डी में है,
डी करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।